गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो एक्सरसाइज हमारी है 5.2। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस आता है, मतलब हर एक टर्म को पिछली वाली टर्म से आप माइनस करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आता है, सेम। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आता है तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है या जीरो भी होता है। तो उसके बाद हमने किया था जनरल फॉर्म। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म हम किसे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस। फिर आगे वाली टर्म ए प्लस डी, एक और प्लस डी मतलब ए प्लस टू डी। वैसे ही a प्लस टू डी में एक और d प्लस करो तो बन जाएगा a प्लस थ्री डी। वैसे ही a प्लस फोर डी, वैसे ही चलता जाएगा। और एक और ले लो a प्लस एन माइनस वन डी या a प्लस एन डी, सो ऑन। तो a आ गया, ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, तो ये आ गई हमारी सेकंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ये आ गई फोर्थ टर्म। चेक करो यहां पे क्या है, थर्ड टर्म में डी दो बार है, फोर्थ टर्म में डी तीन बार है, एक एक कम हो गया। तो फिफ्थ टर्म में डी चार बार है। तो ये एन माइनस वन ये हो गई हमारी टी एन, जो भी एन की वैल्यू यहां पे एक कम है। तो ये जो होगी टर्म ये होगी टी एन प्लस वन। तो मतलब आपने ये लर्न रखनी है, Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारी मतलब एथ टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप n को अगर 5 रखोगे यहाँ आ जाएगा 4d, n को अगर 3 रखोगे यहाँ पे आ जाएगा 2d। तो ये हमारी जनरल टर्म आ गई Tn। तो वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.2 का। तो हमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ए दिया, डी दिया, एन दिया और ए एन, हमें चार टर्म बताई हुई है। मतलब ए क्या आ गया फर्स्ट टर्म, डी आ गया कॉमन डिफरेंस, एन आ गया उसी टर्म था और ए एन और उसकी वैल्यू क्या है ए एन। मतलब जैसे ये हमारे पास टी वन, तो कई बार हम इसको ए वन भी लिखते हैं, इसको ए टू, ए थ्री, ए फोर, वैसे टी एन तो इसको हम ए एन भी लिखते हैं। तो वैसे ही हमें दिया हुआ है, देखते हैं फिर। जैसे ये फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट वाला हेयर गिवन क्या क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू क्या है 8, और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए एन, हमें ए एन फाइंड करना है। ये आ गया पहला फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए एन वही ए एन या फिर टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला। तो लगाओ, दिस इंप्लाइज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो एन की वैल्यू लगा ली 8, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3, सबकी वैल्यू लगा दी हमने। टी एन का फॉर्मूला या ए एन का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू थी 8 तो लगा ली हमने, ए की वैल्यू थी 7 वो भी लगा ली, डी की वैल्यू 3 थी वो भी लगा ली। तो दिस इंप्लाइज ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 निकला 7, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21, तो कितना आ जाएगा 28। मतलब 8th टर्म क्या होगी उसकी 28। तो मतलब जहां पे हमारी फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 का है
तो ए एट कितना आ जाएगा, 28। तो ये हमारा पहला ट्रिलिंगम ब्लैक्स का। तो वैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट हेयर हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए की वैल्यू दी हुई है -18, ये सेकंड पार्ट। यहां पे ये वाला इस रो में देखो -18, डी नहीं है हमारे पास, डी हमें फाइंड कर लें। एन की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू है 10, और हमें एन भी दिया हुआ है 0। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला हमें यही यूज करना है। दिस इंप्लाइज ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू लगा लेंगे, ए एन की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू -18, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो डी को हमने वैसे ही रखा। तो ये आ गया हमारा -18 प्लस 9d। तो डी की वैल्यू निकाली है हमें, 18 उधर नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव। तो डी कैसे मिलेगा हमें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू डी। तो 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2, तो दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, 2 के। तो ये था हमारा सेकंड। वैसे इसका थर्ड थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डी भी है, एन भी है, ए एन भी है। हियर डी की वैल्यू है -3, एन की वैल्यू है 18, ए एन की वैल्यू है -5। वी हैव टू फाइंड ए। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही यूज करना है। दिस इंप्लाइज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, -5 लगा लो। ए की वैल्यू नहीं है, वैसे ही रखा। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 18, -1, और डी की वैल्यू -3। और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में -5 ऐसे रखा। ए प्लस 18 में से 1 निकला तो 17। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा हमारा 51। तो -51 है, इसे शिफ्ट करोगे तो प्लस, -45 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। दोनों को माइनस कर सकते हो आप, प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 46। यहाँ हमें डी भी था, एन भी था, ए एन भी था, ए हमने फाइंड करना था। फॉर्मूला वही लगाना है। कई बार हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो बाकी वैल्यू गिवन होगी, कई बार हमें एन निकालना है तो बाकी वैल्यू गिवन होगी, तो वैसे ही करते जा रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव ढूंढने हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे है 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमें दी हुई है 10, 7, 4 सो ऑन इज, फिर हमें पार्ट दिए हुए ए पार्ट 97, बी पार्ट 77, सी पार्ट -77, डी पार्ट -87। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव है ये, कई बार पेपर में भी आता है ये। एपी हमें दी हुई है, इसकी 30th टर्म कौन सी होगी, इनमें से आपने एक चूज करना है। तो डायरेक्ट कैसे इसको निकालना पड़ेगा, एपी क्या है हमारे पास, गिवन एपी इज 10, 7, 4 सो ऑन, ये हमारे पास एपी आ गई। तो हमने इसकी 30th टर्म ढूंढनी है। 30th टर्म कैसे ढूंढेंगे, टी एन का फार्मूला या ई एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास, तो एन, एन कितना है 30, एन भी है समझो, डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो निकाल लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 10, सेकेंड टर्म आ गई 7, तो थर्ड टर्म आ गई 4, तो माइनस करते हैं हम, t2 माइनस t1, 7 माइनस 10 माइनस 3, फिर वैसे ही कर सकते हो आप, t3 माइनस t2, 4 माइनस 7 तो वो भी माइनस 3, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा माइनस 3। तो हमें इसकी 30th टर्म निकालनी है, तो therefore tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो हमें t n की जगह 30, 30th टर्म निकालनी है, tn होगी nth टर्म, t 30 होगी 30th टर्म। a a क्या है फर्स्ट टर्म, मतलब t1 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 30 माइनस 1 d, d अभी निकालो, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, कर सकते हो मल्टीप्लाई ऑफ 10 प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 87, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस 77। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आ गया हमारा करेक्ट। तो मतलब इसमें कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक दो बार पेपर में भी आया, एपी थी हमारे पास, तो हमने मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है हमारे पास, बी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और एन, एन क्या था हमारे पास 30th टर्म निकालनी थी हमने, तो डायरेक्ट ये तो मैंने पूरा करवाया, आप शॉर्ट पे भी इसको कर सकते हो, दोनों इनको माइनस करते जाओ डी मिल जाएगा, तो ए तो है हमारे पास, तो सीधा फार्मूले में लगा सकते हो, तो ये आ गया हमारा माइनस 77। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सेकंड पार्ट इसका। फिर हम उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव भी है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which term of the AP और AP क्या है हमारे पास 3, 8, 13, 18 so on is 78। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एपी दी हुई है, एपी क्या है 3, 8, 13, 18 सो ऑन, और हमें पूछा है कि ये जो 78 है, 78 इस एपी में कौन सी टर्म होगी, ये आपने बताना है। तो पहले हम एपी लेके चलते हैं,
गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 सो ऑन। एपी है मतलब हमारे पास ए भी होगा, डी हम निकाल सकते हैं तो दे लेते हैं। टी वन आ गया हमारे पास 3, टी टू आ गया 8, टी थ्री आ गया हमारे पास 13 और टी फोर वो आ गया 18। तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, टी टू माइनस टी वन 8 माइनस 3, 5। टी टू की वैल्यू निकाली 8 माइनस टी वन की वैल्यू 3, वैसे ही टी थ्री माइनस टी टू 13 माइनस 8 वो भी 5। एक और चेक कर सकते हो, टी फोर माइनस टी थ्री, टी फोर आ गया 18, टी थ्री आ गया 13, तो आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, या उसको हम डी लिखते हैं, डी कितना आ गया 5। ए भी आ गया, डी भी आ गया, उसके बाद हमें बताना है 78 कौन सी टर्म होगी। तो हम लेट करके चलते हैं, लेट nth टर्म क्या है इस एपी की, समझो 78, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो tn का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, a plus n minus 1 into d equals to 78। a की वैल्यू, a है फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस वन डी, डी अभी निकाला 5 इक्वल टू 78। 3 यहां पे प्लस है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 78 माइनस 3 एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 75। 78 में से 3 निकला, एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां डिवाइड, मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है डिवाइड, तो कर सकते हो डिवाइड 15। तो माइनस वन है तो दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा 15 प्लस 1 16, मतलब 78 इस एपी की कौन सी टर्म होगी 16। हेंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। इस गिवन एपी की 16th टर्म कौन सी होगी, 78। तो ये हमें फाइंड करना था, एपी था हमारे पास मतलब ए था हमारे पास, तो डी हम निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर ले, डी निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, तो डी निकल गया। तो हमने बताना था 78 इस एपी की कौन सी टर्म थी, तो उसको हमने मान लिया टीएन। तो यहां से आपने n की वैल्यू निकालनी है, tn का फॉर्मूला हमारे पास a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू लगाई, d की वैल्यू लगाई, n की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेनी है। जो n की वैल्यू आई तो मतलब 78 इस ap की 60th टर्म थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।